सिर में खुजली एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को परेशान करती है। सिर में खुजली के कुछ मुख्य कारण हैं ड्राई स्कैल्प, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, सोरियासिस, इजीमा, डर्मेटाइटिस और सिर की जुएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर में खुजली को ठीक करने के 5 प्रभावी घरेलू उपचार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। सिर में खुजली को ठीक करने के लिए 5 प्रभावी घरेलू उपचार। पहला, नींबू का रस। नींबू के रस में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसे सिर में खुजली के लिए बेहद प्रभावी बनाते हैं। एक नींबू लें और इसका रस निचोड़ लें। अब इस नींबू के रस को रुई की मदद से अपने स्कैल्प पर लगाएं। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे सामान्य पानी से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार करने से आपको सिर में खुजली से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। दूसरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल गुणों के कारण सिर में खुजली और संक्रमण को खत्म करने में ये बहुत प्रभावी है। बेकिंग सोडा के 2 चम्मच लें और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर अपने सिर को किसी भी शैम्पू से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 से 2 बार जरूर करें। तीसरा, नारियल का तेल। बालों से संबंधित समस्याओं के लिए नारियल के तेल का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। यह इसके मॉइस्चराइजिंग और बालों को पोषण देने वाले गुणों के कारण है। इसके साथ ही यह एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए भी जाना जाता है, तो इसे सिर की खुजली के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय बनाता है। 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल लें और इसे कुछ देर के लिए गर्म करें। फिर इसमें टी ट्री ऑयल की 5 से 10 बूंदे मिलाएं। इस तेल से धीरे धीरे अपने स्कैल्प की अच्छी तरह से मालिश करें। इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अपने बालों को किसी भी सामान्य शैम्पू से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार जरूर करें। चौथा, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के कारण सिर में खुजली से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रभावी है। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर में 3 से 4 चम्मच पानी मिलाएं। अब इस मिश्रण को रुई की मदद से अपने स्कैल्प पर लगाएं। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे पानी से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार करने से आपको सिर की खुजली से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पांचवा, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में ओलिकैंथल और ओलियोरोपियन जैसे यौगिक होते हैं जो सिर में खुजली से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। इस उपाय को करने के लिए जैतून का तेल के 2 चम्मच लें, फिर थोड़ी देर के लिए गर्म करें और इस तेल को धीरे धीरे अपने स्कैल्प पर मालिश करें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर अपने बालों को किसी भी सामान्य शैम्पू से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।